नमस्कार, मैं पूर्णिमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के पाली थाना अंतर्गत ग्राम गोरैया में शौच के लिए गई महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में झाड़ियों के बीच पाई गई। जिले के पाली थाना की ग्राम पंचायत गोरैया निवासी 24 वर्षीय चांदनी बाई सोनवानी अपने घर से सुबह 8:30 किलोमीटर दूर शौच के लिए गई हुई थी। वही उसके पति सुकुल दास सोनवानी ने बताया कि जब काफी देर तक मेरी पत्नी घर नहीं लौटी तो मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा और मौके पर जाकर देखा तो झाड़ियों में मेरी पत्नी लहूलुहान अवस्था में अचेत पड़ी हुई थी, जिसकी सूचना मैंने 100 डायल कर पुलिस को दी। उसके बाद कर्मचारियों की मदद से महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहाँ औपचारिक इलाज के बाद जिला हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया है। वही महिला की हालत गंभीर होने के कारण पुलिस बयान नहीं ले पाई और प्राथमिक उपचार के बाद घायल महिला को मेडिकल कॉलेज जबलपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। गौरतलब है कि सरेआम दिन दहाड़े हुई ऐसी घटना को सुनकर लोगों में भय का माहौल है और इस घटना के पीछे किसका चेहरा छिपा है ये तो घायल महिला का बयान एवं पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिर वहाँ से लड़का गए पता लगाने कि नहीं आवे तो टाइम हो गया, नहीं आवे तो लड़का गए तब देखी फिर लड़का यहाँ पता करे है, फिर यहाँ रिपोर्ट गए थाने, फिर यहाँ से फिर लड़के यहाँ आए तो घर आया, देखा कि घर में नहीं है ये, तो फिर अपना छोटा वाला बच्चा था उसी को लेकर मैं फिर से दोबारा उधर गया। तो दोबारा गया तो मेरे को पैर दिखाई दिया, जब मेरे को शंका हुआ दौड़ा उधर देखा तो बिल्कुल बेहोश पड़ी थी। फिर तुरंत मैं रोते हुए आया गांव में, सभी को बताया कि फ़ोन करो, पुलिस बुलाओ, हैं आधे घंटे से फ़ोन कर रहे हैं पुलिस को, कर ना पुलिस पहुँच रही है न 100 नंबर में डायल किया पर वो भी नहीं पहुँची। खुद एक लड़का हमारे गाँव का आया थाना पानी, 100 नंबर गाड़ी लेके गया, तब उसमें इसको लेके आए, कम से कम आधा घंटा वहाँ हमारा इसी बीत गया। ये महिला भी आई है, सिर में चोट लगी हुई है और इसको हम अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और रिफर करने की तैयारी है। हाँ, अभी ये थाने पे सूचना मिली थी 10 बजे कि महिला है, करीब करीब 35 साल उसकी उम्र है, तो उसको सिर में चोट मारी गई है, तो अभी उसको प्रथम दृष्टया और उसको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो भी उसमें मतलब साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे और अपनी विवेचना की जाएगी। उमरिया से हमारे संवाददाता शंकर चंदेल की खास रिपोर्ट।